नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। बड़ी जोरी बाईपास के पास समोसा के दुकान में शराब बिक रही थी। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर समोसे की दुकान को नस्तानाबूद कर दिया। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का, आरोपी रीवा के वार्ड क्रमांक 2 का रहने वाला। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत बड़ी जोरी में बाईपास के पास समोसे की दुकान में पति पत्नी अवैध रूप से शराब बेच रहे थे। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर दुकान को नेस्तनाबूद कर दिया। प्रशासन ने रीवा पुलिस और आबकारी विभाग के साथ मौके पर जाकर दुकान को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इन दिनों अवैध शराब को लेकर रीवा प्रशासन काफी सख्त है, फिर भी इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा। माना जा सकता है इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का भी संरक्षण है। रीवा जिला प्रशासन को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। बड़ी जोरी के पास बाईपास में समोसे की दुकान की आड़ में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। जिला प्रशासन ने पहले इसको लेकर अपने लेवल पर जांच कराई। जांच में मामला सही पाते हुए सीधे पहुंच गया प्रशासन बुलडोजर लेकर, पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग की टीम को लेकर। देखते ही देखते दुकान को नेस्तनाबूद कर दिया गया। आरोपी रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 2 का रहने वाला था। जिला प्रशासन का दावा है अपनी पत्नी के साथ काफी लंबे से यहां पर चाय समोसे की दुकान के नाम से अवैध रूप से शराब बेचने का काम कर रहा था। आज हमने इसकी दुकान को ही बुलडोजर चलाकर खत्म कर दिया। अब यहां पर दुकान नहीं रहेगी तो अवैध शराब कहां से बिकेगी, ऐसा सोचना प्रशासन का। हम लगातार इस तरीके की कार्रवाई करते रहेंगे, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला साफ तौर से कहते हैं। लंबे समय से समोसे की दुकान में शराब बेची जा रही थी। हमारे पास लगातार स्थानीय लोगों के द्वारा शिकायत की जा रही थी। जिला प्रशासन ने आज पुलिस हमला और आबकारी कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की तो शराब की बोतलें बरामद हुई, जिसके बाद प्रशासन ने इस दुकान पर बुलडोजर चला दिया। पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के जोरी बाईपास का है, जहां तेजा पटेल के द्वारा आयुष समोसे की नाम से दुकान संचालित की जा रही थी। चाय समोसे की दुकान में की आड़ में शराब की बिक्री की जा रही थी। पूरे मामले को लेकर हमने नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से बात की। उनका साफ तौर से कहना था, हमारे पास लंबे समय से शिकायत थी, इस दौरान शिकायत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। हमने पहले जांच कराई, जांच में सही पाए जाने पर आज हमने ये कार्रवाई कर दी। मौके पर शराब की काफी बोतलें भी बरामद हुई। सुनिए यतीश शुक्ला क्या कुछ कह रहे हैं। ये हमको जोरी बाईपास में बड़ी जोरी गांव जो है वहां पर ग्रामीण जनों से और शिकायत प्राप्त हो रही थी निरंतर कि पिछले एक सप्ताह से कि यहां पर एक समोसे की दुकान है आयुष करके, आयुष समोसा, जिसका संचालक तेजा पटेल है। तेजा पटेल के द्वारा ही यहां पर उनकी पत्नी के द्वारा यहां पर अपने चाय की दुकान से ही शराब बेची जा रही है अवैध रूप से। उसी को लेकर के हमने पहले शिकायत का सत्यापन कराया, शिकायत सही पाए जाने पर आज उस पर कार्यवाही की जा रही है। सर, आपका भी हमला भी आपके साथ था, क्या आपको उससे जानकारी थी? हाँ, हमको शिकायत प्राप्त हुई थी ग्रामीण जनों के द्वारा यहाँ पर कि जो यहाँ पर आसपास निवासी रहते हैं उन्होंने शिकायत की थी कि यहाँ पर ये चाय समोसे की दुकान पर शराब भी बेची जाती है अवैध रूप से, और जिससे कि ये यहाँ का माहौल जो रहता है वो खराब रहता है और किसी भी प्रकार के वाद विवाद होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई थी। उस दुकान को नष्ट कर दिया गया है, अभी इसको कोई कार्रवाई है? हाँ, हम इस पर आबकारी एक्ट का जो 34 धारा है उसके तहत कार्यवाही की जाएगी। जो अवैध शराब की बिक्री की है उस पर हम कार्यवाही कर रहे हैं, साथ में और भी देख रहे हैं। जो कि निवासी रहने वाला वार्ड क्रमांक 2 का है, टेकुआ का रहने वाला है और यहाँ आकर के इस तरह के अवैध कार्य गतिविधि कर रहा है। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।